सो वेल स्टूडेंट्स, इट्स मोहित सर। और अब मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने, क्लास थ्री का। तो पहला चैप्टर ही है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बच्चों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ये वो दो पहलू है जिन्हें जानना सभी बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो थंबनेल है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बच्चों को क्लेरिफिकेशन करा दूं। जैसे हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से ये जाना जाता है कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है, जो पूरी बॉडी उसकी स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर का, और उसके जितने भी कलपुर्जे हैं वो सभी को हार्डवेयर बोलकर जाना जाता है। जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो बॉडी कंप्यूटर का वो सब हिस्सा, सारे हिस्सों को हम हार्डवेयर कहते हैं। और ठीक सॉफ्टवेयर होता है वो, जो चीज़ को ना हम छू सकते हैं ना उसे हम देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर जो होती है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर के बग़ैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, इसीलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि सपोज़ दैट हमारी किसी भी हमारी ह्यूमन बॉडीज़ को ले लो, जैसे हमारे शरीर है, तो हमारे शरीर का सारा अंग, हमारे सारी स्ट्रक्चर बॉडी, ये सारा हार्डवेयर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हमारा लिविंग थिंग्स है, जो जीव है, वो हो गया सॉफ्टवेयर। तो जिस तरह से आत्मा के बगैर पूरी बॉडी किसी काम की नहीं है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर जो है उसकी पूरी स्ट्रक्चर बॉडी है, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का कोई काम नहीं। आई होप कि बच्चों इन बातों को समझ रहे होंगे। बिफोर वी बिगिन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर ऑन डेटा टू गिव द डिजायर्ड आउटपुट एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये बहुत सारे पुर्जों, कल पुर्जों से बना हुआ है। ऑल द पार्ट्स, और सभी पार्ट्स, सभी हिस्से, सभी जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो एक साथ काम करते हैं और एक साथ अपनी इंफॉर्मेशन डिजाइड करते हैं, और सिस्टम के मुताबिक वो अपने रिजल्ट आउटपुट करते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दो ऐसे तत्वों पर निर्धारित है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऐसे दो तत्वों पर कंप्यूटर का सिस्टम जो है ये निर्धारित है। ए कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। कंप्यूटर इंसानों के द्वारा निर्मित किया गया एक महान आविष्कार है, और ये परफॉर्म करता है नीचे दिए गए कुछ कामों को, ये बखूबी परफॉर्म करता है, जिनमें से इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस है। तो मैं बच्चों एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। इनपुट, हालांकि आप क्लास थ्री के बच्चे हो और क्लास टू में आए हुए हो, तो इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जो आगे चल कर भी आप लोगों को काम आएंगी। तो इनपुट के बारे में बता रहा हूँ। एक्सेप्ट डेटा गिवन बाय द यूज़र। इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर को चलाने वाला, कंप्यूटर को जो चलाता है, जो भी इंसान बैठ कर कंप्यूटर को चलाता है, उसके द्वारा दिए गए निर्देश को जब कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, तो दैट मीन्स इनपुट, यानी कि यूज़र कंप्यूटर के अंदर अपनी निर्देश, अपनी कमांड, अपना इंस्ट्रक्शन इन कर रहा है, उसे बता रहा है, तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वो हो गया इनपुट। एंड द प्रोसेसिंग, उसके बाद आती है प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग का
प्रक्रिया है वर्क्स ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और जो भी निर्देश कंप्यूटर को मिलता है उसी निर्देश पर जब कंप्यूटर क्या करता है वर्क्स काम करने लगता है, उसको सोचना है, उसको प्रक्रिया में लाता है, तो वो हो गया प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी जब कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया के बाद जब उससे रिजल्ट आउटपुट करता है, यूज़र को बताता है जो भी आउटपुट, वो चाहे डिस्प्ले करता हो मॉनिटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से वो हार्ड कॉपी में देता हो, जो भी रिजल्ट वो देता है उसे कहते हैं आउटपुट, जो कंप्यूटर से हमें प्राप्त होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर हमें रिप्लाई करके बताता है, जो भी हमें रिजल्ट देता है वो हो गया आउटपुट। उसके बाद बच्चों आते हैं स्टोरेज, स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड इनपुट। तो स्टोरेज का मतलब हो गया कि जानकारी स्टोर्स, यानी जानकारी को जमा करके रखना हमारे जरूरत के अनुसार, जो भी हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सभी जानकारियों के हमारी जरूरत के अनुसार जमा करके रखना, दैट मीन स्टोरेज, ये हो गई स्टोरेज। अब हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क्स, अब एक कंप्यूटर कैसे काम करता है ये आप लोग जानेंगे। एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू द फॉलोइंग थ्री स्टेज, हर कंप्यूटर की ये तीन स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता ही है। तो पहला आ गया इनपुट, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर यूजिंग ए कीबोर्ड और ए माउस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। वी कैन एंटर नंबर वर्ड्स पिक्चर्स और साउंड्स एज इनपुट। तो इनपुट की डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जानकारी या कोई भी निर्देश हम जब एंटर करते हैं और कीबोर्ड के इस्तेमाल से या माउस के इस्तेमाल से, तो इस प्रक्रिया को जो भी हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं या डेटा हम डालते हैं, इस प्रक्रिया को कंप्यूटर भाषा में से इनपुट कहा जाता है। वी कैन एंटर नंबर वर्ड्स पिक्चर, हम लोग एंटर कर सकते हैं क्या चीज़, तो नंबर्स भी हैं, नंबर्स भी एक किस्म का डेटा होता है, एक किस्म के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, साउंड्स हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी कीबोर्ड या माउस के माध्यम से या आप माइक्रोफोन के मदद से भी कर सकते हैं। तो ये हो गए इनपुट, उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इनपुट का मतलब समझ रहे होंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में आफ्टर एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर सीपीयू वर्क्स द इनपुट एंड गिव अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में जैसे ही आप डेटा को एंटर करते हैं वो सारी डेटा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक नामक एक डिवाइस में जाकर वहाँ वो सारे प्रोसेसिंग में प्रक्रिया में लग जाती हैं, तो सारा प्रक्रिया उसी में होता है और वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की तरह हमें आउटपुट कर दिया जाता है, यानी रिजल्ट के तौर पे हमें बताया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। और ठीक उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट, द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज नोन एज आउटपुट। दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी आउटपुट हो गया एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे हम लोग क्या जानते हैं कि ये आउटपुट है, और दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये आईपीओ जो साइकिल है यही हमें समझाता है कि किस तरह से कंप्यूटर काम करती है।
देन आफ्टर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर, सी हाउ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन ए कंप्यूटर. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर आप जान देख सकते हैं कि हम कुछ नंबरों को लेते हैं उसे कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो नंबरों को हम किस तरह से इनपुट करते हैं और किस तरह से वो प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट किस तरह से मिलता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट 90, 85, 69, 98, 76, 84, इन सभी नंबर को, इन सभी डेटाओं को क्या करना है कि ऐड करना है. द फर्स्ट स्टेप इज इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन मार्क्स एंड प्लस सिंबल्स. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन निर्धारित किया जाता है कि आप जो भी डेटा को एंटर कर रहे हैं उसमें आप उस सिंबल यानी उस मार्क्स सिंबल आपको बताना पड़ता है जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है. ठीक उस तरह कंप्यूटर जब इन सभी को इनपुट करता है उसके बाद वो प्रोसेसिंग में इन सभी चीज़ों को जोड़ देता है. देन आफ्टर उसकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिजल्ट के तौर पर आपके सामने या यूजर के सामने उसे बता देता है. ऑन द बेसिक ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन द टीचर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट एंड फाइंड हिज हर पोजीशन इन द क्लास. और जो भी मार्क्स बच्चे ऑब्टेन करते हैं या हासिल करते हैं, टीचर क्या करते हैं उनके कैलकुलेशन के बाद उनकी परसेंटेज, स्टूडेंट की परसेंटेज निकाल कर उसकी पोजीशन क्लास में क्या पोजीशन है, ये भी जिस तरह से कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है. ये सारी चीज़ें आईपीओ साइकिल के तहत होते हैं. ये सारे उदाहरण हैं जो पहले तो इनपुट किया जाता है फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद ही जाकर आउटपुट होता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस अंडरस्टूड इट थ्रू सम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स. कुछ लाइफ में चाहे जीवन में होने वाली घटनाओं से हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. जिस तरह से अभी हमें नीचे दिया गया इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, तो इनपुट में वाटर, टी, लीव्स, मिल्क एंड शुगर कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें क्या करना है हमें प्रोसेस करके उसके आउटपुट निकालना है. तो प्रोसेसिंग के दौरान इन चीज़ों को बॉइलिंग, वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर सभी को एक साथ बॉइलिंग किया जा रहा है. इनपुट के दौरान तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, बट प्रोसेसिंग के दौरान इन सारी चीज़ों को एक साथ बॉइलिंग किया जा रहा है. सो दैट इज इनपुट. उसके बाद सभी को बॉइलिंग किया जा रहा है, दैट इज प्रोसेसिंग. और उसके बाद इसका रिजल्ट निकल रहा है प्रिपेयर टी एक अलग शक्ल में. ये टी के रूप में इसका मीनिंगफुल, एक बहुत ही मीनिंगफुल प्रोडक्ट निकल रहा है जो है आउटपुट हुआ जो है टी. कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स डेटा एंड प्रोसेस दिस डेटा टू गिव अस रिजल्ट एज एन आउटपुट. दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर. द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी कैन सी और टच आर नोन एज हार्डवेयर व्हाइल द प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अब कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स डेटा प्रोसेस तो यस बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स डेटा एंड प्रोसेस दिस डेटा टू गिव अस रिजल्ट एज एन आउटपुट. तो कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा विद्युतिक यंत्र है जो भी डेटा को स्टोर करता है और उसे प्रोसेस प्रक्रिया में लाकर और फिर एक बहुत ही मीनिंगफुल और अच्छा रिजल्ट यूजर को बताता है. दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर. और ये मुमकिन होता है हार्डवेयर की मदद से.
यानी कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है उसकी मदद से एंड द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के मदद से यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से ये चीज़ मुमकिन होता है, एक दूसरे की मदद से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से ये मुमकिन होता है इस सिस्टम को। दिस इज एंड द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी कैन सी और टच आर नोन एज हार्डवेयर। और जो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जो भी इसके पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, चाहे पार्ट्स हो गए, ये हिस्से हो गए, भाग हो गए, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर जाना जाता है। वाइल द प्रोग्राम स्टोर इन द कोड सॉफ्टवेयर, और जो प्रोग्राम जो इसमें एप्लीकेशन या प्रोग्राम इसमें स्टोर किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है वो हो गए सॉफ्टवेयर, उन्हें तो हम छू नहीं सकते ना हम उसे देख सकते हैं, बट उसके अंदर उसको इंस्टॉल करके उसी के हिसाब से कंप्यूटर में काम किया जाता है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे कि ऊपर में हम लोग को पता चला कि जो भी पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर हैं, और उन सभी पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। और दिस पार्ट्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन एंड नीड स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन, और ये सारी पार्ट्स जो हैं ये खुद से काम नहीं कर सकती हैं, इन्हें काम करने के लिए ज़रूरत होता है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश का आवश्यक होता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें निर्देश का ये इंस्ट्रक्शन का आवश्यकता होती है, तभी ये काम कर पाते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर्स, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और मॉनिटर, सीपीयू, ये जितने नाम है, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गए, तो बच्चों स्कैनर, माइक्रोफोन, ये वगैरह वगैरह जितने भी आप देख रहे हैं, जिनको भी छू सकते हैं, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ये सारे हार्डवेयर इनको कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। और इन दूसरे शब्दों में आप यू भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी विद्युतिक यंत्र हैं उनकी फिजिकली यानी कि उसकी शारीरिक बनावट जो है, उसकी स्ट्रक्चर जो है, वो सभी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। वेल, उसके बाद बच्चों आप जिस तरह से चित्रों में स्पीकर, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस देखे हो, ये सभी चीज़ें हार्डवेयर हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर एग्ज़ाम में लिखने को आए कि हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल लिखो, तो आप इन्हीं सब चीज़ों को लिख सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर इनको कहा जाता है। सो हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, सो हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। अब इन सारे हार्डवेयर जितने भी डिवाइस हैं उन इनको तीन हिस्सों में भाग किया गया है, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं इन्हें तीन हिस्से में भाग किया गया है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट का मतलब जैसे कि अभी मैंने आप कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन इन करना कंप्यूटर के अंदर जिस यंत्र के माध्यम से इन किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है, तो और जिससे कंप्यूटर रिजल्ट आउट करता है उसे आउटपुट डिवाइस करता कहा जाता है, और जिसमें स्टोरेज यानी कि जिसमें जमा सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है जमा रहता है या सेव रहता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं सबसे पहले, देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू इनपुट वर्ड्स। अब इनपुट डिवाइस में ये एक ख़ास तरह का हार्डवेयर डिवाइस है जिसे इनपुट्स, वर्ड्स, नंबर, साउंड और पिक्चर, कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आते हैं।
अब आप नीचे देखोगे एक सर्कल में कुछ पिक्चर्स, कुछ डिवाइसेस की चीज बने हुए हैं, तो उन सारी चीजों को मैं एक करके एक बॉल बता रहा हूँ। ट्रैक बॉल, इट हैज बॉल ऑन इट्स टॉप टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, रोल बॉल विथ योर फिंगर। ये आप देख रहे हो ट्रैक बॉल, जिसकी मदद से इस चीज को सबसे मूव किया जाता है या पॉइंट आउट किया जाता है स्क्रीन पे, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीजों को जिसको आप पॉइंट किया जा सकता है या उसको सिलेक्ट कर सकते हो इस चीज़ की मदद से। ये एक किस्म के माउस है जिसकी मदद से आप कोई भी स्क्रीन पर चीज़ को आप पॉइंट आउट कर सकते हो। देन आफ्टर माइक्रोफोन, जिसकी मदद से आप साउंड, वॉइस क्वालिटी, जो भी आवाज़ है वो कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाने के लिए इस डिवाइस की मदद की ली जाती है। उसके बाद आ गया स्कैनर, अगर आपके पास कोई चित्र या डॉक्यूमेंट्स या कोई बड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आप कंप्यूटर के अंदर वन टाइम एक ही समय में आप इसको पहुंचाना चाहते हो या डालना चाहते हो, तो स्कैनर एक बहुत अच्छा डिवाइस है जिसके माध्यम से उसकी फोटोकॉपी हूबहू प्रिंट करके कंप्यूटर के अंदर तक भेजा जा सकता है इंस्ट्रक्शन के तौर पर। तो ये स्कैनर के से संभव होता है। उसके बाद है जॉयस्टिक, इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग, इसे एंटरटेनमेंट के लिए आप जब कंप्यूटर पे कोई गेम खेलते हो तो इसके मदद ली जाती है जॉयस्टिक, और इससे आप स्क्रीन पर गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हो। देन आफ्टर लाइट पेन, उसके बाद आ जाता है, दिखने में पेन की तरह होता है बट इस इंक नहीं होती है, हमारी नॉर्मल पेन जो हम लोग पेपर पे लिखते हैं उस तरह की नहीं होती है, ये लाइट पेन होता है जो आप इसको स्क्रीन पे लिखा जा सकता है। लाइट पेन की मदद से हम लोग स्क्रीन पे उसको लिखते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल बाय टचिंग दिस पेन ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद आ जाता है वेब कैमरा, सो वेब कैमरा इट इज़ प्राइमरली यूज्ड टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। तो वेब कैमरे की मदद से हम लोग एक दूसरे से लाइव चैट कर सकते हैं कनेक्ट करने के बाद, और वेब कैमरे की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हूबहू हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से। ओके, देन आफ्टर आउटपुट डिवाइस, उसके बाद आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइस में भी यहाँ पर दिए गए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, तो ये आप लोग देख सकते हो LED टाइप में मॉनिटर है जो आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, ये दिखने में TV की तरह होता है, एंड प्रिंटर है जो आपके कोई भी कंप्यूटर द्वारा दिया गया रिजल्ट को हार्ड कॉपी में तब्दील करके ये प्रिंट आउट करके निकालता है, और छप कर या उसे प्रिंट करके कलरफुल में या सिर्फ लिखावट में अलग अलग मतलब डिज़ाइन में ये प्रिंटर के माध्यम से हमें वो रिजल्ट मिलता है जो कंप्यूटर हमें देता है रिटेन में या पिक्चराइज में, ये सभी माध्यम से ये हमें प्रिंटर दे सकता है। उसके बाद आ जाता है स्पीकर, तो स्पीकर से क्या होता है कंप्यूटर के माध्यम से बाय साउंड, म्यूजिक, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा है वो कंप्यूटर के माध्यम से हमें इस डिवाइस से मिलते हैं जिसे स्पीकर कहा जाता है। वेल, नॉलेज बूस्टर, एलन ट्यूरिंग इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मॉडर्न कंप्यूटर, ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है उनका मॉडर्न कंप्यूटर में दिया गया योगदान, जो भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था मॉडर्न कंप्यूटर में उन्होंने दिया था, और इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर्स भी जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस, उसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइस में, वो यंत्र, वो डिवाइस जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, तो वो बहुत सारी शक्ल में हो सकती हैं, बहुत सारी कैपेसिटी की हो सकती हैं, अलग अलग क्षमता की होती हैं। दिस डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइसेस। तो हार्ड डिस्क को मेन स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहा गया है कि उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, एंड हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स द
entire work we do on a computer. Other important devices like CD, pen drive and DVD are also used to store information. और भी अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव है, ये सारे जो पेन ड्राइव हो गए, हार्ड डिस्क हो गए या CD और DVD, ये सारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं इसको. उसके बाद बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अभी तक तो हम लोगों ने हार्डवेयर और उनके कुछ कार्य, उनके कुछ क्षमता, उनके कुछ साइज वगैरह, उसके कुछ यंत्रों के नाम हम लोगों ने जाना. अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में. तो जैसे कि पहले शुरू में आप लोगों को मैंने कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन देने के बाद बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है. एक किस्म का ये जिसे टच नहीं किया जा सकता, एक किस्म का इंस्टॉल करने वाला, किया जाने वाला एक चीज़ है जिसे कंप्यूटर उसी के माध्यम से चलाया जाता है. द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच बट ओनली सी आर कोड सॉफ्टवेयर. वो हिस्सा, वो पार्ट जो कंप्यूटर का जो हम लोग देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं. सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स रिटेन फॉर हार्डवेयर टू वर्क. सॉफ्टवेयर एक लिखित प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम जैसा है, जो हार्डवेयर को उस हिसाब से काम करने के लिए निर्देश देता है. ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. और एक प्रोग्राम क्या होता है, एक निर्देश का सेट होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर को अलग अलग टास्क, अलग अलग कामों के लिए उसे करने के लिए निर्देश देता है. लुक एट सम ऑफ सॉफ्टवेयर गिवन बिलो. नीचे दिए गए कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप देखकर समझो. नॉलेज बूस्टर में ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विद द पार्ट्स अलोन. ए कंप्यूटर कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता. द वर्किंग कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर स्टोर इन इट. और एक कंप्यूटर का काम डिपेंड करता है, निर्भर करता है उसकी हार्डवेयर और उसके प्रोग्राम जो भी उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है या स्टोर किया गया है, जो सॉफ्टवेयर है उसी के आधार पे, उसी पर डिपेंड करके कंप्यूटर में काम करता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. यहाँ पर सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स के दिए गए हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द यूजर टू मेक देयर टास्क इजी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है जो यूज़र के मुताबिक उसके कामों को ईजी करता है, जो एप्लीकेबल है, जो कंप्यूटर पे उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल के जाना जाता है. इन अदर वर्ड्स एक दूसरी शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक खास प्रोग्राम के तहत इसे कंप्यूटर में अप्लाई किया जाता है, जिसके मदद से यूज़र कोई भी टास्क, अलग अलग कामों को बड़ी आसानी से कर सकता है. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जो डायरेक्टली यूज़र को हेल्प करता है, जिसकी मदद से यूज़र अपना काम करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल वी यूज़ पेंट टू ड्रॉ द पिक्चर्स. वी कैन वॉच वीडियोज यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर. वी कैन cannot do some using paint program do calculate. we use calculator for example application software as follows. तो application software के कुछ उदाहरण जैसे होते हैं कि आप paint करना चाहते हो तो paint वाली software होता है, जिसे हर computer में अलग अलग type के भी होते हैं, या उससे अलग अलग क्षमता वाले भी अलग अलग होते हैं. तो ये सारे जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसे अप्लाई किया गया है, जो यूज़र इसकी मदद से ड्रॉ करते हैं पिक्चर, या मीडिया प्लेयर्स हो गए हैं जिनकी मदद से एंटरटेनमेंट्स वीडियो एंड
सॉन्ग्स ये वगैरह आप उनसे मीडिया प्लेयर से सुन सकते हो। तो मीडिया प्लेयर भी एक किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को मदद करते हैं। जैसे कुछ टूल्स हैं, हम कोई काम करने के दौरान बाहर से कुछ टूल्सों की मदद लेते हैं, तो कंप्यूटर में भी ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद लेकर कंप्यूटर में अलग अलग टास्कों को किया जाता है। इसके बाद बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है उसे कंप्यूटर को सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, उसके सारे कामों को मैनेज करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए वो सॉफ्टवेयर कारगर है। वो सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है कि कंप्यूटर के सारे वर्किंग स्टाइल या उसके सारे कंट्रोल को मैनेज करता है। तो ये हो गए उसके कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट्स है, हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम का। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे चलता है। व्हेन वी यू स्टार्ट आवर कंप्यूटर ए सॉफ्टवेयर आल्सो स्टार्ट्स विद इट। जब आप कंप्यूटर एक स्टार्ट करते हो तो ए सॉफ्टवेयर आल्सो स्टार्ट्स विद इट, और एक सॉफ्टवेयर भी इसके साथ ही भी स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसे खास करके अलग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तब उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। द विंडोज इन द कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नीचे दिए गए कुछ विंडोज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो आप लोग देख लीजिए। सम ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस विंडोज़, एमएस ऑफिस, उसके बाद है ये सारी जो हो गए विंडोज़, उसके बाद में नॉर्टन एंटीवायरस, एडोब फोटोशॉप, ये सारी जो हैं ऑपरेटिंग, ये सॉफ्टवेयर जो है पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम करते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क पहचान गए होंगे कि क्या चीज़ फ़र्क है इन दोनों में, और किस तरह से हार्डवेयर अपने काम करता है और किस तरह से सॉफ्टवेयर अपना काम करता है। तो सॉफ्टवेयर के भी कुछ अलग दो भाग हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ईजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे हैं जिसके जो उदाहरण आपको दिया गया, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, पेंट्स हो गए, उसके बाद में और भी जितने म्यूजिक सुनने के लिए मीडिया प्लेयर हो गए, ये सारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सबको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही वो शुरू हो जाता है। ओके बच्चों, इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करोगे और इस चैप्टर का रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग भी आप लोग को दे दी जाएगी जिसे आप लोग को याद करना है, और कुछ एक्सरसाइज होंगे उन्हें आप लोग घर पर याद करके, और एक दिन आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को याद करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, और सारे डाउट अपने सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लेना है। थैंक यू वंस अगेन एंड स्टे एट योर होम एंड थैंक यू।